We are at the B.R. Ambedkar School of Specialized Excellence, which is a Delhi government school, and Deputy Chief Minister Manish Sisodia, who is under the scanner for his role in the Delhi excise policy and also in the education controversy, will join us in a short while. Meanwhile, I'll just request VJ just to show you the school that we are in. So it is a school that has four floors, and it is one of those model schools of the Delhi government, and actually boasts of many facilities like table tennis room, counseling room, libraries and all that. So we'll just have a short chat with the Deputy Chief Minister. Manish ji, ye bataiye ki aapke upar ye aarop hai ki jo cost escalation hua CVC report mein, it is 326 crores. उसका आपने टेंडर नहीं दिया। सारे झूठ बोल रहे हैं। सारी प्रोसेसेस फॉलो की गई हैं। जो भी टेंडर, जो भी परमिशंस, जो भी प्रोसेस होती है, लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम ये टेंडर है ही नहीं। बीजेपी तो झूठ बोलती है। बीजेपी की प्रॉब्लम है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को इतना शानदार स्कूल कैसे बना के दे दिया गया। मैं आपको दिखाता हूँ बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है। बीजेपी की प्रॉब्लम है, इसको दिखाया जाए, ये लाइब्रेरी देखिए। ये लाइब्रेरी आपको सरकारी स्कूल तो छोड़ दो, बहुत कम प्राइवेट स्कूलों में इतनी शानदार लाइब्रेरी देखने को मिलेगी। इनकी प्रॉब्लम यह है कि अब सरकारी स्कूल के बच्चों को इतनी बढ़िया लाइब्रेरी क्यों बना के देगी। ये जो बच्चे हैं ये बहुत मॉर्निंग, ये बहुत सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं। बेटा कहाँ से आते हो आप, कहाँ से आते हो? है इंदिरा कैंप से। आपके पापा क्या करते हैं? ट्यूशन टीचर है। अच्छा, और आपके सर? गार्डनर है। गार्डनर है। आपके पापा? टेलर है। आपके? ट्यूशन पढ़ाते हैं। और देखो आपके बच्चे, गुड मॉर्निंग बेटा, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर वो प्राइवेट जॉब करते हैं, क्लर्क है। कंटेंट कटिंग मास्टर। कटिंग मास्टर हैं। अब आप देखो इनकी बच्चों की बैकग्राउंड ये है, इन बच्चों को इतनी अच्छी लाइब्रेरी मिल रही है, इतनी अच्छे वातावरण में पढ़ रहे हैं। बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि इन बच्चों को इतनी अच्छी फैसिलिटी क्यों दे दी। फर्श देखो इसका, अब इसमें पैसा तो खर्च होगा, पैसे की चिंता नहीं है इनको। इनको प्रॉब्लम यह है कि इतने ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों के लिए इतने शानदार स्कूल क्यों बना दिया आपने? तबेले बनाने चाहिए, कबाड़ खाने जैसे भारतीय जनता पार्टी गुजरात में पिछले 27 साल से चल रही है वो बनाने चाहिए। इतने शानदार स्कूल बनाना मेरा अपराध है। उन्होंने ये कहा, सीवीसी रिपोर्ट इज सेइंग, सर बीजेपी इज नॉट सेइंग दैट, द सीवीसी रिपोर्ट इज सेइंग कि 53% कॉस्ट एस्केलेशन हुआ, एंड 53 एस्केलेशन में जो कॉस्ट एस्केलेशन हुआ 53%, उसके लिए टेंडर नहीं भरे गए। देखो सीवीसी की तो रिपोर्ट का पूरा जवाब सरकार दे चुकी है। हाँ। लेकिन बीजेपी जो कह रही है, सीवीसी की रिपोर्ट में कुछ ऑब्जर्वेशन रहते हैं, सीएजी सीवीसी सबकी रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशन रहते हैं, वो हमेशा जवाब दिए जाते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है इतनी ज्यादा कमरे क्यों बना दिए। अब बताओ इस स्कूल में अगर बच्चे और ज्यादा आएंगे, मैं तो मेरा बस चले तो मैं तो और कमरे बना दूं और उनको बच्चों को पढ़ने के लिए फैसिलिटीज दूं। ये कह रहे हैं इतने कमरे क्यों बना दिए, इतने टॉयलेट क्यों बना दिए। आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे, ये अब इतना बढ़िया कह रहे हैं इनको सरकारी स्कूल के बच्चों को काउंसलर की क्या जरूरत है। सर आपने कहा कि सीबीएसई का रिपोर्ट, कह रहे हैं इतने वॉशरूम क्यों बना दिए। उन्होंने सीबीएसई रिपोर्ट ने कहा है कि वॉशरूम को आपने टॉयल क्लासरूम करके दिखाया है। अरे वॉशरूम बने हुए बाबा, क्या दिखाया क्या नहीं। अब ये भी तो कमरा ही है ना। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। ये भी कमरा ही है ना, कमरा तो बनेगा ना यहाँ। हाँ। अब एक स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स के लिए बन गया, कहीं टॉयलेट के लिए चला गया, कहीं बैठने के लिए बन गया, आपने देखा, कहीं क्लासरूम बनेगा, पर बन तो कमरे ही रहे ना। हम थोड़ी रह रहे हैं इन कमरों में, हम थोड़ी खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। देखो कहाँ से आते हैं बच्चे, आप कहाँ से आ रहे हो बेटा? सर संगम विहार। अच्छा, क्या करते हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पापा केमिस्ट हैं। केमिस्ट हैं, बताओ। अब एक सामान्य केमिस्ट का बच्चा आके टिटी खेल रहा है, इनको प्रॉब्लम हो रही है कि इनके बच्चों को इतनी बढ़िया फैसिलिटी क्यों दे दी। दूंगा मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनके बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज दूँ, आपको जो करना कर लो। सर आपने कहा कि सीबीसी रिपोर्ट का सरकार जवाब ने, सरकार ने जवाब दिया, क्या दिया है जवाब सरकार ने? आपको सीबीसी रिपोर्ट में मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। जवाब यही है कि ये रहे स्कूल, जवाब ये रहे बच्चे, फ्रॉड थोड़ी हो रहा है। कोई ऐसा थोड़ी है कि कमरे बना के उसके ऊपर में कुछ रेत डाल दिया है। ये रहे कमरे, ये रहे स्कूल, ये रही फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे हैं। ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया ने घोटाला कर दिया, ये कमरे बनाने घोटाला है, तो ऐसे घोटाले हर शिक्षा मंत्री को करने चाहिए। सर मैं फिर से पूछूंगी एक सवाल, टॉयलेट्स को क्या आपने क्लासरूम बनाकर दिखाया? डिड यू शो टॉयलेट्स क्लासरूम? भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि टॉयलेट बना दिया, इतने सारे टॉयलेट क्यों बना दिए
आप पढ़ो उनके एलिगेशंस, पढ़ो उनके नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखो बोले 1000 टॉयलेट बनवाने थे 2000 बनवा दिए, ज्यादा टॉयलेट बनवा दिए, यार बच्चे आएंगे, टीचर्स आएंगे, लेडीज टीचर्स आएंगी, लड़कियां आएंगी, टॉयलेट्स नहीं चाहिए क्या स्कूल में, मैं तो बनवाऊंगा। दे आर सेइंग 160 रिक्वायर्ड था, आपने 1200 के ऊपर बनाया। एक्चुअली बीजेपी के फॉर्मूला में तो एक भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, बीजेपी के स्कूलों में जाके देखो एक भी नहीं मिलता है। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के फॉर्मूला में इतने ही टॉयलेट्स चाहिए जितने बने हुए हैं। सर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस से ये भी आरोप है कि सीवीसी का जो विजिलेंस रिपोर्ट है उसको दबाए रखा आपने 2.5 साल तक। कहाँ दबाए रखा, कोई रिपोर्ट नहीं दबाएगी, टाइम लगता है बहुत सारी चीजों का आंसर में, दे दिया आंसर, लेकिन सीवीसी की रिपोर्ट तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि साहब इतने बढ़िया, आपको दिखाता हूँ मैं, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, आपको सुन बताने के लिए इनको ये प्रॉब्लम है कि गरीब परिवारों के, सामान्य परिवारों के बच्चों को इतनी बढ़िया एजुकेशन कैसे मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में इससे दर्द हो रहा है, ये तो बहुत प्रिविलेज क्लास के लोगों को मिलनी चाहिए, सामान्य परिवार के लोगों को इतनी अच्छी म्यूजिक टीचर, इतनी फैसिलिटीज। अब ये कमरे बनाने में पैसा खर्च होगा और हमने किया है, हमें गर्व है, और हर देश के हर शिक्षा मंत्री को, हर मुख्यमंत्री को यही करना चाहिए, हर प्रधानमंत्री को अपने दोस्तों को अमीर बनाने में नहीं लगना चाहिए, कल को ये बच्चे पढ़ेंगे तो ये अमीर बनेंगे। सर ये बताइए कि इन रेट्रोस्पेक्ट अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है कि अगर प्रोसेसेस फॉलो करते आप और अच्छी तरह से तो शायद इतना कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होता। झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी, सारे प्रोसेस फॉलो किए हैं, कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है जो फॉलो ना किया हो, लेकिन बीजेपी को केवल और केवल काम रोकने में आता है। इनको कहा था बार बार मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं यार एक दूसरे से सीखने की परंपरा डालो, अब इसमें हो सकता है ये कागज फट रहा है, अब आप आके बोलो ये कागज फट रहा है, ये देखो अरविंद केजरीवाल के स्कूलों में कागज फटा हुआ है, हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के स्कूलों में ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी कर लो, हम आपके स्कूल में आएंगे, आपने कहीं कुछ काम किया हो तो आप हमें बता दो, हम भी वो देखेंगे, इन स्कूलों को हम और अच्छा करेंगे। उसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट ये बन, अब देखो इतने बढ़िया बढ़िया टॉयलेट्स बने हैं, अब ये टॉयलेट बनने चाहिए, यहाँ पे टॉयलेट है, पीछे टॉयलेट है, वॉशरूम इसके हैं, स्टाफ के वॉशरूम है, ये कहने क्यों बना दिए। माई लास्ट क्वेश्चन सर, आपको क्या इस बात की चिंता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के दो ऑफिस जो है धीरे धीरे से देयर इज ऑलमोस्ट अ ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन, इट कुड लीड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आल्सो। दुर्भाग्यपूर्ण है देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रधानमंत्री 24 घंटे यही सोचते रहते हैं इन गरीब बच्चों को पढ़ने से कैसे रोका जाए, इन गरीब बच्चों को गरीब कैसे बनाए रखा जाए, अपने दोस्तों को अमीर कैसे बनाया जाए, हम 24 घंटे ये सोचते हैं कि गरीब बच्चों को अच्छी पढ़ाई कैसे दी जाए, उनके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए। लड़ाई इस बात की है, इसमें जो भी सामने आएगा लड़ेंगे, आंख में आंख डाल के लड़ेंगे। आप यू आर कॉन्फिडेंट दैट देयर इज नो इरेगुलरिटी? इरेगुलरिटी छोड़ो, शानदार काम किया है और गर्व है इस काम पे। थैंक यू। सो देयर यू सॉ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया होल्डिंग हिज ग्राउंड दैट एक्सीलेंट वर्क हैज बीन डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी इवन नाउ ही वुड डू द सेम, बट रिमेंबर द सीवीसी रिपोर्ट इज ऑलरेडी देयर एंड देयर इज यू नो प्रेशर ऑन द चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो टू एक्ट ऑन द सीवीसी रिपोर्ट, इट रिमेन्स टू बी सीन how exactly the story develops, but in this particular school of excellence certainly we saw many children who belong to the working class and were actually about you know having the perhaps the excellent facilities in many areas, not just in classrooms as in smart classrooms, but good toilets, excellent music room, and also libraries, and also a table tennis room.